सरकार से बैठक रही बेनतीजा। आशा वर्कर्स की हड़ताल जारी। पंचकुला के विश्राम गृह में हुई बैठक, 10 मांगों पर हुई चर्चा। 8 को करनाल में होगी रैली। पिछले 54 दिनों से हड़ताल पर चल रही आशा वर्कर की शुक्रवार को हरियाणा सरकार के साथ 5 घंटे तक मैराथन बैठक चली। बैठक में सभी 10 मांगों पर मंथन किया गया, लेकिन सरकार ने केवल आश्वासन दिया। वहीं केवल आश्वासन पर हड़ताल खत्म करने को लेकर आशा वर्कर यूनियन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बैठक के बाद यूनियन ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाती, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उल्लेखनीय कि आशा वर्कर यूनियन ने आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 26,000 न्यूनतम वेतन, इंसेंटिव में 50% कटौती की बहाली, ईपीएफ ईएसआई की सुविधा, रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने और रिटायरमेंट पर सम्मानजनक पेंशन ग्रेचुटी आदि मांगों को लेकर 8 अगस्त से हड़ताल पर है।